दोस्तों लॉकडाउन 5.0 में किए जा रहे हैं काफी बड़े बदलाव। वहीं दोस्तों 1 जून से होने वाला है कुछ बड़ा बदलाव जो कि आपके जीवन को ही बदल के रख देगा। जी हां दोस्तों, काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि राशन कार्ड, रेलवे को लेकर, रोडवेज को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर और फ्लाइट को लेकर कुछ बदलाव शामिल किए गए हैं। इन सभी बड़े बड़े बदलाव को हम बारी बारी से देखने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हां दोस्तों, बता दें कि जैसे कि भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेलवे मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गई है। वहीं रेलवे कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर अपने टिकट काउंटर भी खोलने जा रहा है। अगर आप किसी भी शहर में फंस गए हैं तो फिर इन ट्रेनों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने टाइम टेबल के अनुसार ही पहले की ही तरह चलेंगी। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो शुरू होगा वन नेशन वन कार्ड। जी हां दोस्तों, बात कर ली जाए तो देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना शुरू होने वाली है। और बात कर ली जाए, फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी और इस स्कीम का यह फायदा होगा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में आप इस्तेमाल करके वहां पर राशन खरीदने के लिए उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे राज्य में ही हो आप लोग हों। इससे गरीबों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो गो एयर की उड़ानें भी होंगी शुरू। जी हां, बता दें कि लो बजट एयरलाइन कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। अन्य कंपनी तकरीबन 25 मई से इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन गो एयर ने इसके लिए 1 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था। हवाई यात्राओं को शुरू करने में कई सारे नए नियम भी पालन करने पड़ेंगे। वही दोस्तों बात करेंगे तो बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, गैस सिलेंडर के दाम भी बदलने वाले हैं। तेल कंपनियां हर माह की 1 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है और ऐसे में इस बार भी होगा बदलाव। कच्चा तेल फिलहाल $32 प्रति बैरल के करीब है और हालांकि लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में पहले से ही पेट्रोल डीजल का वेट बढ़ा चुकी है, वहीं कुछ राज्य में 1 जून से ही वेट बढ़ाने जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत भी कम हो जाए, लेकिन वेट बढ़ने से आपको कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। और बात कर ली जाए तो दोस्तों यूपी रोडवेज चलाने जा रहा है बसें। अगर यूपी रोडवेज से सफ़र करते हैं तो खबर आपके लिए है, क्योंकि यूपी में 1 जून से बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। सभी बसों को सैनिटाइज और फिट करने के लिए आदेश दिए गए हैं और इस बीमारी के चलते सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में का पालन करना और अड्डे पर प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर को करना होगा। बस में क्षमता से आधी सवारी ही बैठेगी और सबको मास्क और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। बस बैठने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। तो दोस्तों इस तरह के काफ़ी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकते हैं और इस देश की स्थितियों को सामान्य करने में भी काफ़ी राहत भरी साबित हो सकती है ये नियम। तो दोस्तों इस नियम का कृपया पालन करें। फिलहाल दोस्तों जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में जिस तरह के कायदे कानून दिए गए हैं उसी नियमों का पालन करें। साथ ही दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है इन नियमों को लेकर, साथ ही दोस्तों आपको क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द सारी सेवाएं स्टार्ट भी हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों इन नियमों का अगर पालन सही दिशा निर्देश से होने लगेगा, सही स्थितियां बन जाएगी तब। वैसे दोस्तों आपको कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर कहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए।